हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। आज से फिर अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में कुछ रीजंस की वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, बट आज से फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हर एक बच्चा मेरे से कॉन्टैक्ट करके ये पूछ रहा है कि हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम मेरा मोटो ये है कि वी हैव टू फोकस फॉर द बोर्ड नॉट फॉर द टर्म एग्जाम्स। So we need to discuss all the chapters that is given in the NCERT. तो अभी हम फिलहाल एक चैप्टर फिजिकल का, एक चैप्टर ऑर्गेनिक का ऐसे रीड करेंगे, राइट? तो अभी हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो सॉल्यूशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जब हम मिले थे तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे कॉन्सेंट्रेशन के। तो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले बताने के बाद मैं सबसे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी NCERT की बुक ओपन कर लो। एनसीईआरटी के बुक में उन फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, उन क्वेश्चंस पे आ जाओ। पहले हम एक आध क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को निकाल लीजिए और एनसीईआरटी के इंडेक्स में जो क्वेश्चन मेंशन है उन क्वेश्चन पे आइए। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, मैं भी जरा उन क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार कि वो क्वेश्चन क्या थे। तो एक बार अभी वो क्वेश्चंस देख लेता हूँ कि वो क्वेश्चंस कौन से थे, फिर एक बार पहले मैं वो क्वेश्चंस कराया था, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। हाँ, ये है आपका इंटेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2.3, 2.4 और 2.5। पहले मैं एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, 2.3, 2.4 और 2.5 के। तो कोशिश करें कि साउंड हफ्ते के साथ ही मैनेज करें आप, क्योंकि मैं तो अपना फुल साउंड क्रिएट कर रहा हूँ, बट अब इसमें आ नहीं रहा तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2.3 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2.3 है वो है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस आपके पास दे रखे हैं और इन दो सॉल्यूशंस की मोलारिटी को आपने फाइंड आउट करना है। हेलो बेटा, तो जो पहला सॉल्यूशन है वो आपके पास है 30 ग्राम ऑफ दिस इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप अगर देखो इस सॉल्यूशन को, इस क्वेश्चन को, 30 ग्राम आपके पास सॉल्यूट का दे रखा है और सॉल्यूट आपके पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड है और 4.3 लीटर सॉल्यूशन है और आपको इसकी मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी पता करने के लिए, जैसा कि हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि मोलारिटी फाइंड आउट करने के क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला था वो आपके पास था मोलारिटी इज इक्वल्स टू, जो आपके पास मोलारिटी का फॉर्मूला था। आई होप आप सबको बोर्ड विजिबल होगा, अगर बोर्ड विजिबल नहीं है तो आप बता सकते हैं। नमस्ते बेटा, ठीक है। तो मोलारिटी का जो आपके पास फॉर्मूला था, मोलारिटी इज इक्वल्स टू आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोलारिटी के फॉर्मूले को डिस्कस किया था। अब इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास जो सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट का हमारे पास है मास, ये 2.3 का फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्व करवा रहे हैं। सॉल्यूट का हमारे पास में मास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास हम करके और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो हमारे पास में गिवन मास भी है और हमारे पास इस कंपाउंड का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो इसके गिवन मास से मोलर मास में डिवाइड करके हम आसानी से इसका और नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद इसकी वॉल्यूम मेंशन है 4.3 लीटर, तो हम जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा उस नंबर ऑफ मोल्स को 4.3 लीटर से डिवाइड कर देंगे, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है
हमारे पास में इस पार्ट का मोलारिटी आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि आपके पास में 30 ग्राम एक सॉल्यूट का गिवन है, तो उस सॉल्यूट का 30 ग्राम गिवन है, तो आप क्या करिए कि उसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो उस गिवन मास अपन मोलर मास से आप सॉल्यूट का मोल्स निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 4.3 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 4.3 लीटर से डिवाइड कर दो, तो इसमें आप आसानी से मोलारिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं कि इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है। अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट को अगर आप देखो, बी पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है कि इस क्वेश्चन के बी पार्ट में है। अब विजिबल होगा ये क्लियरली। तो इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं कि इस क्वेश्चन का बी पार्ट है क्या। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में कहता है 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो आपका 2.3 का जो बी पार्ट है, ये 2.3 का बी पार्ट आपका सॉल्युबल जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा मोलारिटी इक्वेशन से। मोलारिटी इक्वेशन क्या होती है, m1 into v1 is equals to m2 into v2। ठीक है, ये मोलारिटी इक्वेशन है, m1 into v1 is equals to m2 into v2। अब इसमें अगर आप देखो तो 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, यहाँ पे आपके पास में 0.5 into 30 मिलीलीटर हो गया इज इक्वल्स टू, सेकेंड की मोलारिटी हमें फाइंड आउट करनी है यानी m2 हमें फाइंड आउट करना है, और इसका हमारे पास में दे रखा है 500 मिलीलीटर। तो यहाँ से हम आसानी से m2 निकाल सकते हैं, m2 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम आसानी से इसका मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मोलारिटी को फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास हो गया। ठीक है, जिसमें इक्वेशन आपके पास लगता है मोलारिटी इक्वेशन, और मोलारिटी इक्वेशन क्या होता है आपका m1 into v1 is equals to m2 into v2। आपको क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है मोहम्मद जावेद, अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा बेटा तो आप बोर्ड का क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है कि बोर्ड जैसा है जितना है हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा, राइट। तो हाँ, ये अब तक आपको पता नहीं चला कि मैं बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया कि आप बुक निकाल के रखो, 2.3 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, देन ये पूछने का क्या मतलब है कि बुक का क्वेश्चन करा रहे हो। तो ये 2.3 का बी पार्ट था जो कि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जा रहे हैं, जब मैं आगे के टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा फिर हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, राइट। तो 2.3 का ये बी पार्ट हो गया जो कि सॉल्व होगा मोलारिटी इक्वेशन से। मोलारिटी इक्वेशन आपके पास होती है m1 into v1 is equals to m2 into v2। m1 आपके पास 0.5 आ गया, v1 आपके पास 30 मिलीलीटर आ गया, m2 हमें निकालना है, इसका सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर दे रखा है। हम आसानी से यहाँ पे डिवाइड करके और मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 2.3 पार्ट, इसको अगर आपने नोट करना फटाफट आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। फर्स्ट पार्ट बस टू सिंपल, फर्स्ट पार्ट में कुछ था नहीं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये है कि सॉल्यूट का मास गिवन था, और आपके पास सॉल्यूट पता है कौन सा है, तो सॉल्यूट का आपको मोलर मास ही पता चल सकता है। अब आप तो उस गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाएगा, और उस नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दो तो आपको मोलारिटी के बारे में पूरी कहानी पता चल जाएगी। फर्स्ट पार्ट बस टू सिंपल, हमने 11th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन को
ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आप सबका नोट हो गया हो तो हम आगे की तरफ बढ़े 2.4 क्वेश्चन के ऊपर आए। ओके फाइन, सो हम 2.4 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि 2.4 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आइए 2.4 क्वेश्चन को, 2.4 क्वेश्चन क्या कहता है देखो। Calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. आपके पास इसमें molality given है, molality is given और molality हमारे पास में है 0.25 molal, right? और हमारे पास में urea है और उस urea का हमें mass निकालना है, जबकि mass of हमें इसमें urea का mass निकालना है। अब देखो molality is equals to what is number of moles of solute upon mass of solvent, और solvent का जो mass होना चाहिए वो kg में होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज आपके पास में given है कितना 0.25 mole per kg, ये आपके पास में चीज given है, ठीक है। अब आपको पहले ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम N2 बना लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता नहीं है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमें पता है 2.5 केजी, तो यहां से पहले हम निकालेंगे N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये 2 हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 * 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625 यानी 0.625 केजी, सॉरी मोल। अब इसमें निकालेंगे मास ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू सिंपल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला, कितना नंबर ऑफ मोल्स निकाला आपने 0.625, मोलर मास आपके पास कितना है, यूरिया का मोलर मास निकालेंगे तो यूरिया हमारे पास है NH2 CONH2। अब इसका मोलर मास इसका होता है 14, इसका 2, इसका 12, इसका 16, फिर इसका 14, इसका 2, तो 14 14 28, 28 और 2 30, 30 और 2 32, 32 और 12 44, 44 और 16 60 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पर मोलर मास पुट कर देंगे 60 ग्राम पर मोल। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मास ऑफ यूरिया हो गया। तो ये इस क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमारे पास मोलालिटी गिवन थी, तो जो मोलालिटी गिवन थी तो हमने पहले सबसे पहले मोलालिटी देखी कितनी है, मोलालिटी हमारे पास में 0.25 मोलल गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है 2.5 केजी, तो पहले हम मोलालिटी का इक्वेशन लगाते हैं। मोलालिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है केजी में होता है। अब ये मोलालिटी टर्म हमारे पास में गिवन है 0.25 मोल पर केजी, ये चीज हमें निकालना है, तो इसको हमने लेट कर लिया N2 के टर्म में, और मास ऑफ सॉल्वेंट ये 2.5 केजी होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया 0.625 मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसके बाद निकालेंगे मास ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया निकालने के लिए होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितना रखा है 0.625, तो 0.625 * मोलर मास कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपके पास मास ऑफ यूरिया हो जाएगा। 2 मिनट्स हैं आपके पास, फटाफट नोट कर लीजिए। नोट हो दे के साथ ही आप मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं।
वो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट है 2.5 kg, वो सॉल्यूशन का मास नहीं है। भास्कर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि वो जो 2.5 केजी है वो 2.5 केजी सॉल्वेंट का मास है, वो सॉल्यूशन का मास नहीं है। ओके, सबका नोट हो गया। ओके बेटा, सो आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं 2.5 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2.5 पे आते हैं। 2.5 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है अपने आप, इसको जरा आप ध्यान से फोकस करिएगा। इसमें तीन चीजें आपको निकालनी है। एक तो आपको निकालना है मोलालिटी, फिर आपको निकालनी है मोलारिटी, और लास्ट में आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वो उसका आंसर आसानी से कर सकता है, लेकिन मेन होता है इस क्वेश्चन को समझना। अब इस क्वेश्चन को समझने में देखो नीचे क्या देख रहे हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। कैलकुलेट मोलालिटी मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर मोल। ठीक है, और आपको निकालना क्या क्या, आपको तीन चीजें पता करनी है, मोलालिटी पता करना है, मोलारिटी पता करनी है, और मोल फ्रैक्शंस पता करना है। 20% एक्वस KI, ठीक है, KI क्या है हमारा, इसमें सॉल्यूट है। तो अगर KI सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कौन सा है, तो इसके लिए दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपको मिल रहा है एक्वस KI। एक्वस KI का मतलब क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड इज डिसॉल्वड इन वाटर। इट मींस दैट कि इस सॉल्यूशन में 20% आपका पोटेशियम आयोडाइड का है, बाकी जो रिमेनिंग 80% आपके पास है वो वाटर है। अब इस परसेंट को हटा करके आप ग्राम में चेंज कर लो, तो पोटेशियम आयोडाइड का मास हो गया 20 ग्राम, वही अगर आप देखो वाटर के मास की बात करो तो वाटर का मास हो जाएगा आपके पास 80 ग्राम। तो मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जो कि हमारे यहाँ पर सॉल्यूट है, ये है 20 ग्राम। ठीक है, फिर मास ऑफ वाटर जो कि हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है, जैसे कि डे फर्स्ट मैंने आपको कहा था कि वाटर इज अ नेचुरल सॉल्वेंट, ये 80 ग्राम। तो आपको क्या निकालना है, आपको तीन चीजें निकालनी है, मोलालिटी मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो इसको केजी में चेंज करो। अब 80 ग्राम को केजी में चेंज करोगे तो 80 डिवाइडेड बाय 1000 ये आ जाएगा आपका 0.08 केजी। राइट, ये केजी में हो गया वाटर का मास, वाटर का मास केजी में आ गया, नहीं सॉल्वेंट का मास केजी में आ गया। अब निकाल लो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास कितना है 20 ग्राम और KI का मोलर मास कितना हो गया 166 ग्राम पर मोल। हम इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। इसके बाद जो इसका ए पोर्शन है वो निकाल लो, वो क्या है मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो गया आपका 20 अपॉन 166 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ये कितना हो गया आपका 0.08। इसे सॉल्व करके आप आसानी से मोलालिटी निकाल सकते। तो फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया। अब फर्स्ट पार्ट के बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे किस चीज़ का है, मोलारिटी का है। आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अगर कभी डेंसिटी गिवन हो और परसेंटेज गिवन हो तो उसके लिए मोलारिटी निकालने के लिए बहुत ही शार्प सा फॉर्मूला होता है। क्या, 10 डेंसिटी परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
राइट। तो 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज, कितना परसेंट हमारे पास गिवन है 20%, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमारा, डेंसिटी कितना हमारे पास में गिवन है, और डेंसिटी हमारे पास गिवन था 1.202, ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 166, तो इसको डिवाइड करके हम आसानी से मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमारे पास में मास ऑफ KI गिवन था, तो हमने मास ऑफ KI मेंशन कर दिया, ठीक है, परसेंटेज में गिवन था, हमने उसको परसेंट को हटा करके ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। फिर देख रहे हैं हम कि हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है, तो अगर 20 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट का है तो रिमेनिंग 80 ग्राम हमारा वाटर का होगा। फिर इससे हमने क्या कर लिया, पहले हमने सॉल्वेंट के मास को केजी में चेंज कर लिया, फिर निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसके बाद जब सॉल्यूट पता चल गया, सॉल्यूट के मोल्स कितने, सॉल्वेंट का मास केजी में पता चल गया, तो हम आसानी से मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोलैलिटी निकल जाएगी हमारी। दूसरा हमारे पास क्या है, मोलैलिटी निकालने का, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, 10 इनटू डेंसिटी इनटू परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इससे आप मोलैलिटी निकाल सकते हो। अब देखो मोलैलिटी निकल गई, मोलैलिटी निकल गई, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, तो इस नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके आप आसानी से मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, सॉल्यूट का तो आ गया, सॉल्वेंट का भी मोल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, उसके बाद दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकाल लो, आसान है, ट्राई करना, नहीं होगा दोबारा मैं इसको फिर करवाऊंगा, इसे नोट कर लीजिए फटाफट, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अगर नोट हो जाए तो फटाफट आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ूं। लास्ट टॉपिक हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, ये 3 क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट थे, ये तो हमने डिस्कस कर लिए, आप मुझे ये बता दो कि लास्ट टॉपिक हमने कहाँ तक डिस्कस किया था ताकि मैं आगे टॉपिक कंटिन्यू करवा सकूँ। आई थिंक हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर थे, और शायद मैंने आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड करवा दिया था, आप जरा फटाफट चेक करके मुझे बता दीजिए। लास्ट टॉपिक था फैक्टर्स विद सॉल्युबिलिटी डिपेंड, तो ये किस चीज का फैक्टर है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड। ओके सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, ओके फाइन, तो हम अब आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड, इसमें हमें 2-3 इंपॉर्टेंट से लॉ मिलेंगे, रॉल्स लॉ वगैरह, इनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबका नोट हो गया, अगर आप सबने नोट कर लिया तो फटाफट बता दीजिए ताकि मैं इसको रख करके आगे की तरफ बढ़ सकूँ। बेटा तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन टू अ लिक्विड, यानी किसी गैस को जब हम लिक्विड में सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें सॉल्युबिलिटी हमेशा सर्टेन टेम्परेचर पे होती है, दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करने वाले हैं तो क्या कंडीशन होती है, यानी हमारे पास है टॉपिक सॉल्युबिलिटी of a gas into liquid. ठीक है, देखिए गैस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल कौन सा होगा, ये गुंजन ने पूछा है सर। लास्ट टॉपिक वॉज क्रिस्टलाइजेशन, बट हम क्रिस्टलाइजेशन से बहुत आगे बढ़ चुके थे, शायद आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड, गैस को हमें लिक्विड में सोल्यूबल करना है। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सील करते हैं, राइट। इसके बाद भी वाटर में भी कई सारी गैसेस डिजॉल्व होती हैं, कई तरह की गैसेज हैं जो कि हम लिक्विड में किसी न किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर हम उसको डिजॉल्व कर रहे हैं। तो लिक्विड में गैस को डिजॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन है, पहली चीज़ तो यही समझ, अगर ये कंडीशन समझ में आ गए तो ये कहानी आसानी से समझ जाएगी। दो कंडीशन रिक्वायर्ड हैं अगर आप लिक्विड को गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना चाहते हो। पहली कंडीशंस क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, हम सब जानते हैं कि गैसेस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, तभी वो गैस होता है। तो सॉल्युबल करवाना है अगर आपको गैस को किसी लिक्विड के अंदर, तो सबसे पहले तो गैसेस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स को डेवलप करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गैसेस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप नहीं होगा तब तक आपका गैस जो होगा वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। किसी भी तरह का गैस हो, उस गैस को अगर आप किसी लिक्विड में सोल्यूबल करना चाहते हो तो उस गैस को लिक्विड में सोल्यूबल करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप गैसेस पार्टिकल, जो भी आपके पास गैसेस पार्टिकल्स है, उस गैसेस पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करवाएं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे तभी जाकर के आपका गैस जो होगा लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होगा, अदरवाइज सोल्यूबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कैसे करवाएं गैसेस पार्टिकल्स के ऊपर। तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करवाने का दो तरीका है, एक आप उसमें प्रेशर को बढ़ाओ और दूसरा आप उसमें टेम्परेचर को कम करो। तो अगर आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करते हो, यानी कि अगर आप कंडीशंस करते हो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस पे आप गैसियस पार्टिकल्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करवा सकते हो। और जैसे ही गैसेस पार्टिकल्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, गैस के पार्टिकल्स आसानी से लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो पहली चीज तो ये याद रखते हो कि टू डिसॉल्व अ गैसेस पार्टिकल इनटू लिक्विड सॉल्वेंट वी नीड टू इंक्रीज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, एंड दिस कैन बी डन, सेकंड पॉइंट है ये, दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एट लो टेंपरेचर। हाई प्रेशर का लो टेंपरेचर पे यूज करेंगे तब जाकर के हम गैसेस पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करवा पाएंगे और तब जाकर के आपका गैस जो होगा वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो पाएगा। दो चीजें आप देख रहे हो, क्या क्या चीज आप देख रहे हो, पहली चीज तो आप ये देख रहे हो कि टू डेवलप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the gaseous particles, ठीक है। पहली चीज क्या है कि आप gaseous particles के बीच में forces of attraction को develop करवाओ। जब gaseous particles के बीच में forces of attraction को develop करवा पाओगे तभी जाकर के गैस आपका लिक्विड के अंदर dissolve हो पाएगा। अब कैसे, तो this can be done by increasing pressure and decreasing temperature. ये हम तब कर सकते हैं जब हम pressure को increase करें और temperature को decrease करें। Pressure increase होगा तो particles के बीच में force of attraction automatically बढ़ता चला जाएगा। तो किसी भी gas को liquid में dissolve करने के लिए there must be two points. First point is कि आप gases particles के बीच में force of attraction को develop करवाओ,
और सेकेंड पॉइंट इज कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप होगा, तो इसके लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को आपने कम करना पड़ेगा। बटा इसको मेंशन करिए जल्दी फटाफट कॉपी के अंदर। बहुत लेट हो गया सूरज तुम आज क्लास के अंदर आने में बेटा, और अभी जब तक ऐसी क्लासेस चल रही है तब तक इसको मिस ना किया करें आप लोग, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए ही है। अल्टीमेटली इतनी दूर बैठ करके भी ये सोचा जा रहा है कि आपका सिलेबस टाइम से रहे और सिलेबस पे कोई असर ना पड़े, दैट्स द रीज़न कि मैंने ये क्लासेस शुरू की है। तो जो भी बच्चे अभी क्लासेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लासेस के अंदर आएँ, और जब तक ये क्लासेस चल रही हैं तब तक इसको करते रहें। नोट हो गया? ये रॉक स्टार बॉन कौन है बेटा? आपका ओरिजिनल नेम भी यही है? ओके फाइन, तो अब हम आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें बहुत सारे लॉज मिलने वाले हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो सबसे पहला जो इसका लॉ है वो आपके पास है, जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपके पास है हेनरीज लॉ। ये लॉ क्या कहता है समझना, ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई गैस है और आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए, अगर हमारे पास कोई गैस है और गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए हेनरी ने क्या कहा कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का कितना अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप गैसेस पार्टिकल्स के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस का, उतना ही ज्यादा अमाउंट लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस ये हमने क्लोज कंटेनर ले रखा है जस्ट बिकॉज क्योंकि हम इसमें गैसेस को फिल करने वाले हैं, और इसमें हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर लिक्विड फिल कर रखा है। जैसे मान लो हमने इसमें वाटर को फिल कर रखा है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर हो गया। अब मैं इसमें कुछ गैसेस पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसमें कुछ गैसेस पार्टिकल्स, ये हमारे पास कुछ गैसेस पार्टिकल्स हैं, इन कुछ गैसेस पार्टिकल्स को मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर गैसेस पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कर दिया, ठीक है। अब मैं इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर इस गैस के पार्टिकल्स को इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व करने वाला हूँ, तो मुझे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा। ये प्रेशर मैं पिस्टन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू लगा सकता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है, और उस एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करके ही मैं यहाँ पर इस गैसेस पार्टिकल्स को इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा यहाँ पर, यानी कि प्रेशर मेरा जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा इसके पार्टिकल्स लिक्विड में आकर के डिजोल्व होते जाएंगे। जितना ज्यादा ये प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर जितना बढ़ेगा उतने ही ज्यादा ये पार्टिकल्स इसमें अंदर आकर के डिसॉल्व हो जाएंगे। तो हेनरी ने यही कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का कितना अमाउंट लिक्विड के अंदर आकर के डिसॉल्व होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप गैसेस पार्टिकल्स के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस का, उतना ही मैक्सिमम अमाउंट लिक्विड के अंदर आकर के डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, At constant temperature, amount of gas dissolved into liquid is directly proportional to the pressure applied on
गैसियस पार्टिकल्स। देखिए क्या बताया गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बार बार मैं कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा मेंशन करता हूँ क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्वड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड इन गैसियस पार्टिकल्स, यानी कि जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा गैस का अमाउंट लिक्विड के अंदर आकर के डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। अब देखो मान लो इफ, अच्छा यहाँ ये जो अमाउंट है ना मोल फ्रैक्शंस के टर्म में मेजर होता है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम मोल फ्रैक्शंस के टर्म में मेजर करते हैं, तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इफ एक्स यानी कि जिसको मोल फ्रैक्शंस आप कहते हो, काई भी कहते हो कई बार इसको, इज द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्वड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग पी प्रेशर। मान लेते हैं कि हम पी प्रेशर अप्लाई करके गैस के ऊपर हमने पी प्रेशर अप्लाई करा, राइट, और पी प्रेशर अप्लाई करके हम गैसेस पार्टिकल्स के एक्स अमाउंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। P प्रेशर अप्लाई करके हम गैसेस पार्टिकल्स के x अमाउंट को डिसॉल्व कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, देन तो ऐसे में क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एज पर द कॉन्सेप्ट एज पर द लॉ, तो P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, यानी कि प्रेशर जो हो गया अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाना होता है हम किस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, यस दैट्स गुड, काजल सिन्हा का आंसर है, आदित्य भास्कर का आंसर है, अच्छा आंसर दिया कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं, अब प्रोपोर्शनलिटी हटा करके हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारा विशु सिंह का भी बहुत अच्छा आंसर आया, यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट है वो होगा के एच, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा के एच इंटू एक्स, तो ये हमारे पास आया पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, फॉर्मूला हमारे पास क्या आया पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वेयर के एच क्या है, ये मनसाराम पाल इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेयर के एच इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट नोन एज हेनरीज कॉन्स्टेंट, के एच हमारा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है और इसी कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं हेनरीज कॉन्स्टेंट, जो पे के एच है हमारा उसे हम सर में स्नेहिल, ये मेरी मम्मी का नाम, अच्छा बेटा आई एम सॉरी, ठीक है, तो के एच हमारा जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हो गया, इसी को हम हेनरीज कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन टू लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसेस पार्टिकल्स। एक चीज हमेशा नोटिस करना, मैं यहाँ पर मैंने क्या मेंशन करा हुआ है, प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसेस पार्टिकल्स, इस चीज को मैं आगे यूज करने वाला हूँ इसी टर्म को थोड़ा सा डिफरेंट वे में, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवा दिया, आप भी अपने नोट्स में इसको अंडरलाइन कर लोगे कि यहाँ पर मैं किस चीज की बात कर रहा था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रेशर अप्लाइड ऑन गैसेस पार्टिकल, मतलब मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब भी मैं हेनरीज लॉ की बात करूंगा मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात करूंगा, लेकिन जैसे ही ये लॉ चेंज होगा और मैं आऊंगा रॉल्ट्स लॉ के अंदर तो मैं वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर की बात ना करके मैं वहां पर इंटरनल प्रेशर की बात करूंगा। एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन नहीं है कि किस लॉ में किस तरह के प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, और वहां पर बच्चे फिर फंस जाते हैं कि क्वेश्चन में कई बार घुमा के दे दिया जाता है कि ये इसका ये अलग प्रेशर है, तो जैसे ही घुमाया जाएगा ये वाला प्रेशर बच्चों को समझ नहीं आ जाएगा कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रख रहे हैं कि हेनरीज लॉ में क्या बताया गया था कि प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसेस पार्टिकल्स, यानी कि हम बाहर से इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम बाहर से इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो हम कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं, बाहर के प्रेशर की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आएगा इसके बाद रॉल्ट्स लॉ मैं उसमें एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं करूंगा, मैं उसमें इंटरनल प्रेशर की बात करूंगा। फिलहाल फटाफट इसको कॉपी करें, के एच को हम हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट कहते हैं या हेनरीज कॉन्स्टेंट कहते हैं। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि के एच की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, हर गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होगी। जैसे कि नाइट्रोजन को ले लो तो नाइट्रोजन की इसकी 298 केल्विन टेम्परेचर पर वैल्यू कुछ और होगी, और 273 केल्विन टेम्परेचर पर वैल्यू कुछ और होगी, 283 केल्विन पे आपके पास वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि हर टेम्परेचर पर गैस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, कभी फिक्स नहीं होता है।
फटाफट नोट करें, जैसे ही नोट हो जाए आप मुझे तुरंत नोट करें बताएं। चलिए तो इन लोगों का हो गया। अब मैं फटाफट रैंडम एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, फटाफट आंसर दीजिएगा कि हेनरी ने अपने लॉ में क्या बताया था कि गैस का अमाउंट जो लिक्विड में डिसॉल्व होगा वो प्रेशर अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि गैस का अमाउंट जो लिक्विड में डिसॉल्व होगा वो प्रेशर अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फटाफट आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हेनरी लॉ में क्या एक्सप्लेन किया गया, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बिल्कुल सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बिल्कुल सही, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया। ये तीन चार बच्चों का आंसर आया, आदित्य भास्कर, नीरज कुलारा, गुंजन निकुंज, राजकुमार राय और ये स्नेहल, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब ये मैंने क्या कहा कि गेज की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। अगर आप इस वर्ड को भूल जाओगे तो आप अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हो। चलो मैं बोल देता हूँ, फटाफट आप मेंशन कर लो। KH has डिफरेंट वैल्यूज, KH has डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस एट different temperatures, at different temperatures, ठीक है। अगर कॉपी में नोट हो गया हो तो आप मुझे बता दें ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। ओके मुस्कान, सॉरी बेटा, अब देखो इसमें आप लोग अपना नाम नहीं बताओ तो मुझे पता कैसे चलेगा, अलग अलग नेम से है ना आप लोगों की आईडी, ठीक है। ओके फाइन, तो हम आई की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको हम इस लॉ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। हमें इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें। संख्या की तरफ बढ़ते हैं। क्या था हमारा P is equals to KH into X। X क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको X क्या है, आप मुझे फटाफट आंसर दीजिए। What is X here? X यहाँ पे है क्या? हाँ पता है बेटा मुझे, तुम अंजलि हो। X क्या है फटाफट बताइए। What is X here? X यहाँ पे क्या है, क्या ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये मोलालिटी है, मोलारिटी है, या मोल फ्रैक्शन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही, मोल फ्रैक्शंस, दो बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। एक चीज अब मैं बता दूं आपको कि जब भी हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, राइट,
अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है बेटा अमाउंट ऑफ गैस बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन ये अमाउंट ऑफ गैस जो है ये मोल फ्रैक्शंस के टर्म में है, तो इस चीज को ही नोटिस करने के लिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो अमाउंट ऑफ गैस है ये अमाउंट ऑफ गैस मोल फ्रैक्शंस के टर्म में। ये बेटा ये प्रेशर किसने आंसर दे रखा है, ये प्रेशर आंसर बिल्कुल गलत है, पी प्रेशर है, एक्स मोल फ्रैक्शंस है जो कि अमाउंट ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो भी है ये कौन सा बच्चा है, मनसाराम पाल, आप अपना ओरिजिनल नेम बताइए, ठीक है आपका ये आंसर गलत है बेटा, ये प्रेशर नहीं है ये अमाउंट ऑफ गैस है, राइट, ये पी प्रेशर है, ये अमाउंट ऑफ गैस है जिसको मोल फ्रैक्शंस के टर्म में लेना है। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि जब भी मैं आगे बढ़ूंगा या आप कभी भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें एक चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। जब भी मैं सॉल्यूट को लिखूंगा ना तो मैं न्यूमेरिक डिजिट्स 2 में मेंशन करूंगा, और जब भी मैं सॉल्वेंट लिखूंगा तो मैं न्यूमेरिक डिजिट 1 में मेंशन करूंगा, और अगर मुझे न्यूमेरिक डिजिट में मेंशन नहीं करना अल्फाबेटिकली मेंशन करना है तो मैं इसके लिए मेंशन करूंगा बी और इसके लिए मेंशन करूंगा मैं ए। ये हमेशा आप नोटिस करिएगा कि जब भी आपको सॉल्यूट को मेंशन करना होगा तो सॉल्यूट के लिए न्यूमेरिक डिजिट 2 होगा और अल्फाबेटिकल वैल्यू बी होगी, सॉल्वेंट के लिए न्यूमेरिक डिजिट 1 होगा और अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ए होगी। जैसे मुझे इसका अगर मोल्स रिप्रेजेंट करना हो तो इसका मोल होगा एन बी, और अगर मुझे इसका मोल रिप्रेजेंट करना हो तो मैं लिखूंगा एन ए, अगर मुझे इसका मोल रिप्रेजेंट करना हो तो ये एन बी होगा और अगर मुझे इसका मोल रिप्रेजेंट करना हो तो ये एन ए होगा या फिर एन टू और एन वन। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि 2 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर और 1 का मतलब क्या हो रहा है। अगर कहीं पर 2 लिखा है तो इसका मतलब मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, और अगर कहीं पे 1 लिखा है मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर ये x को मुझे ओपन करना है, ठीक है, यानी x मोलारिटी है, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kx into x मोलारिटी है किसकी, गैस की, क्योंकि डिसॉल्व किसको कर रखा है हमने, गैस को, और गैस को हमने डिसॉल्व कर रखा है तो गैस हमारा क्या है, सॉल्यूट, ऐसा हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो P is equal to क्या हो जाएगा, KH into N2 upon N1 plus N2, यही मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो N2 upon N1 plus N2, राइट। तो P is equal to आया आपका KH into N2 upon N1 plus N2। अब देखो, सिंस 1/N2 has much smaller value, so it is neglected. इसलिए हम इसको neglect कर देते हैं, क्योंकि ये value बहुत छोटी होती है, तो आप इसको almost neglect कर देते हो। तो ऐसे में P is equals to होगा KH into N2 by N1. P is equals to KH into N2 by N1. अब आप चाहो तो N2 को mass के term में भी open कर सकते हो, कैसे, P is equals to KH into N2 क्या होता है, given mass upon molar mass, तो W2 by M2, और ये नीचे क्या हो जाएगा, W1 by M1, इस term में भी आप इसको open कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखे रहना कि ये जो होते हैं ना concept, ये for diluted solution, ये सिर्फ diluted solution के लिए, ये concentrated solution के लिए नहीं है। पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि सॉल्यूशन हमारा, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो समझ जाओ डाइल्यूटेड है, और लेकिन अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसमें लिख करके आएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको समझ जाना है कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, लेकिन अगर सॉल्यूशन में मेंशन करके आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए हमेशा 1 बाय n2 को आपको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी। तो ऐसे में p इज इक्वल्स टू kh into n2 by n1 बच जाएगा। अब n2 by n1 नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो p इज इक्वल्स टू kh into w2 by m2 upon w1 by m1। आप इसको फ्रैक्शनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, फटाफट नोट डाउन करो।
फटाफट आप मुझे बता दीजिए जैसे ही आपका नोट हो जाए। तो सर ऊपर वाला फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेटेड के लिए, ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला, ये वाला है कि अगर आप बात कर रहे हो तो ये सबके लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड में सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट के नंबर मोल्स होते कम होते, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर रखा। ठीक है, ये फॉर्मूला सबके लिए है, लेकिन क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूट के कम होते हैं इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, नथिंग एल्स। ओके फाइन, तो ये आपको सबको समझ में आ गया। अब देखो आपके सॉल्व्ड एग्जांपल में एक क्वेश्चन होगा, मैं उस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा स्किप हो रहा है मेरे माइंड से, आप उस क्वेश्चन को मुझे बताओ या फिर मुझे उसका एक पिक दे दो व्हाट्सएप पे, तो मैं अभी देख लेता हूँ उसको। वो है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2। जैसे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पलटोगे ना, हेनरीज लॉ, इसके पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर आपके नहीं बुक ओपन कर रखा है तो उस बुक में एक बार देख लो। ठीक है, उस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ना आया आप मेरे से दोबारा, कल जब मैं आऊंगा फिर 4 बजे, कल आप मेरे से फिर इसके डाउट्स पूछ लेना। तो ये हेनरीज लॉ की बात कर लिया। अब देखो हेनरीज लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है, वो भी हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, वो स्कूबा डाइवर्स हमेशा अपने साथ हीलियम गैस टैंक्स को लेकर के जाते हैं, तो वो हीलियम गैस टैंक्स को लेकर के जाते हैं, वो भी आपका हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हेनरीज लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन को हमें डिस्कस करना है, हम कल फिर मिलेंगे, 4 बजे ही अपनी क्लास की शुरुआत होगी, और हम कल हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन से डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को भी लेकर के आएंगे। तो आज का जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, ये टॉपिक आप प्रिपेयर करिए, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया 3 क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करिए, जैसे ही क्वेश्चंस आपको रिपीट हो जाए, आपका आंसर आ जाए, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, आप अपने ग्रुप के अंदर मुझे आंसर सेंड करिए, ताकि मैं चेक कर लूँ कि आपका सही है गलत। हम कल मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ और आगे के टॉपिक। आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय बेटा।